अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं KN24 न्यूज़। जी नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं बिजनेस मैनेजर जो कि नौशीन साहिबा हैं। आज बताएंगी तबाहट की जानिब से जिस तरह से मेडिकल, ये मेगा फ्री मेडिकल कैंप लगाया गया है प्रेस क्लब में, कराची प्रेस क्लब में, इसके हवाले से हम बात करते हैं, कुछ जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी है नौशीन साहिबा? ठीक हूँ, आप कैसे हैं? बताएंगी आज के हवाले से। जी, सो तबा हार्ट हॉस्पिटल ने कराची प्रेस क्लब के मेगा स्क्रीनिंग कैंप, हेल्थ स्क्रीनिंग कैंप में पार्टिसिपेट किया है। एंड वी आर एक्चुअली हियर लीडिंग द कार्डियक स्पेसिफिक सर्विसेज, जिसमें तबा हार्ट के रिनाउंड कार्डियोलॉजिस्ट, जिसको हम दिल के अमराज के माहरीन डॉक्टर्स कहते हैं, वो हैं। इसके अलावा परहैप्स मुझे लगता है ऐसा कोई पहला कैंप होगा जिसमें इको कार्डियोग्राम स्कैन ऑन फ्लोर ऑन ग्राउंड, जो कि दिल का अल्ट्रासाउंड है, वो पहली बार किसी कैंप में जो है हो रहा है। इसके अलावा वी आर डूइंग ईसीजी उन पेशेंट्स की जो इनको अगर कोई इमीडिएट जो है वो चेस्ट पेन के साथ रिपोर्ट होते हैं, सो वी हैव अवर कार्डियोलॉजिस्ट अगर कोई रेफर करते हैं, सो वी हैव ईसीजी सर्विस ऑल्सो। इसके अलावा फिजिकल मेजरमेंट्स, हाइट, वेट, ब्लड प्रेशर, बीएमआईज, एंड वी हैव द फिलोबॉटमी सर्विसेज, जिसमें हम कार्डियक स्पेसिफिक टेस्ट कर रहे हैं, जैसे कि HbA1c, जो कि एक्चुअली द डायबेटिक पेशेंट्स हैव टू हैव देयर HbA1c डन एवरी ओवर द स्पेन ऑफ 3 or 6 months, जस्ट टू सी देयर ट्रेंड। इसके अलावा वी आर डूइंग लिपिड प्रोफाइल, विच इज द इंटायर कोलेस्ट्रोल प्रोफाइल, लिपिड प्रोफाइल। एक दिल का जो मरीज होता है, दिल के अमराज का मरीज, उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि जब वो इतनी मेडिसिंस का इंटेक कर रहा होता है, सो किडनी सबसे ज़्यादा अफेक्ट होती है, सो क्रिएटिनिन टेस्ट ऑल्सो वी आर डूइंग हियर। अच्छा, अभी आज जो ये अपना प्रेस क्लब में मेम्बरान के लिए खास ये लगाया गया, आज गवर्नर इमरान इस्माइल साहब भी आए, तो इमरान इस्माइल साहब ने जो मैसेज दिए, तो आपकी उनसे क्या बात हुई? जी, वेरी नाइस जेंटलमैन, ही एक्चुअली विजिटेड आवर स्टॉल एंड ही लुक्ड वेरी हैप्पी टू सी कि हाँ, तबा हार्ट हॉस्पिटल ने इतना अमेजिंग सर्विस सेटअप यहाँ पर किया है, वेयर बाय वी आर प्रोवाइडिंग ऑलमोस्ट ए कॉम्प्रिहेंसिव होलिस्टिक कार्डियक स्क्रीनिंग सर्विसेज। सो ही वॉज वेरी हैप्पी, उन्होंने बहुत कॉन्ग्रेचुलेट किया तबा हार्ट हॉस्पिटल को, बहुत अप्रिशिएट किया, ही अप्रिशिएटेड द डॉक्टर्स, ही अप्रिशिएटेड आवर टेक्नोलॉजिस्ट, ही अप्रिशिएटेड आवर नर्सेज, आवर पैरामेडिक स्टाफ, एंड ही लुक्ड वेरी हैप्पी अल्हम्दुलिल्लाह। क्या कहती हैं आप नौशीन साहिबा के कराची शहर में, आप तो माशाल्लाह डॉक्टर के शोबे से वाबस्ता हैं, तो क्या आज ये बात मुनासिब नहीं थी, होनी चाहिए थी कि कराची शहर में ज़्यादा से ज़्यादा वॉक के लिए पार्क होने चाहिए, बजाय हम पार्क को बनाने के तोड़ रहे हैं, तो क्या कहते हैं हुकूमत से, आप क्या कहना चाहेंगी इस बारे में? देखें, इसे हम कहते हैं लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, इसके लिए बिहेवियर चेंज, कम्युनिकेशन का मॉडल इस्तेमाल होता है हेल्थ प्रमोशन का। बिहेवियर चेंज एक बहुत बड़ा, इट्स अ ग्रेजुअल लर्निंग प्रोसेस। आज अगर हम में से ऑल द व्यूवर्स अगर ये सुन के भी ये ठान लें कि वो अपने बिजी रूटीन का 10 मिनट से स्टार्ट करके 10 मिनट का टाइम निकाल के अपने रेजिडेंस के नीचे कहीं भी ऐसी सिक्योर जगह जहाँ पे दे कैन डू अ ब्रिस्क वॉक ऑफ 10 मिनट्स फॉर अ मंथ, देन दे कैन स्पीड अप टू एटलीस्ट 15 मिनट्स, 20 एंड 30 मिनट्स एंड 1 आवर, ये सबसे बेहतरीन चीज़ होगी आपकी बिहेवियर चेंज के लिए। और इन तमाम लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से आपका ब्लड कोलेस्ट्रोल लेवल, आपका ब्लड शुगर लेवल, आपका वेस्ट सर्कमफेरेंस की वजह से जो ट्रंकल ओबेसिटी होती है, वो तमाम चीज़ें, आपका BMI, एवरीथिंग विल लोअर डाउन, इट विल गो टूवर्ड्स द नॉर्मलसी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ जो है नौशीन साहिबा मौजूद हैं, उन्होंने तमाम सूरत हाल से आगाह किया, बताया यहाँ के मेडिकल कैंप के हवाले से जो कि आज यहाँ लगाया गया प्रेस क्लब में उनके मेम्बरान के लिए, तमाम उन्होंने अपनी जो है जो कैंप के हवाले से बातें की, और बहुत खुशी हुई हमें इस बात को जान करके नौशीन साहिबा के साथ जो पूरी टीम है बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी खिदमत है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं कराची प्रेस क्लब में और यहाँ मेगा फ्री मेडिकल कैंप लगाया गया, जिसमें आज मेहमान
मेहमान खसूसी जो थे वो गवर्नर इमरान इस्माइल साहब थे, और हम बात करवाते हैं आपकी जनाब महबूब साहब से, और फिर हम बात करवाते हैं आपकी साहब का चीफ जो हमारे डिप्टी सीपीएलसी से, जिनका माशाल्लाह बेहतरीन ताल्लुक रहा और बहुत अच्छा इनका किरदार रहा, उसमें कारकर्दगी रही। मुराद अली सोनी साहब वो भी यहाँ तशरीफ़ फरमाए, उनसे भी हम बात कराते हैं। पहले हम चलते हैं महबूब साहब के पास। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर आज के हवाले से बताएंगे, जिस तरह से माशाल्लाह से आज ये आप बड़ा अच्छा सा ये आपने यहाँ पर सजाया है जी जी इमरान के लिए, ये बड़ा एक ऑर्गेनाइज्ड कैंप था, इसमें तकरीबन मुख्तलिफ मेडिकल्स के यूनिट्स ने काम किया है, जिसमें हमारा आई हमने पार्टिसिपेट किया था आइस के लिए। पिछले 15 साल से हम आइस में काम करते हैं, और कराची के मुख्तलिफ इलाकों में हमारे 5 यूनिट्स हैं जहाँ पे हम फ्री आई कैंप करते हैं, जिसमें आइस की चेकिंग है, चश्मे हैं, दवाई हैं, और जो ऑपरेशन निकलते हैं वो भी हम फ्री करवाते हैं। तो मुराद भाई का बड़ा शुक्रिया कि उन्होंने हमें बुलाया और इस काम में हमारे को अपने साथ में रखा। लास्ट मंथ हमने एसएसपी साहब के ऑफिस में भी इस कैंप को किया था, और हमारी कोशिश है कि हमारे फोर्सेस हमारे जवानों के लिए जो भी हम ये खिदमत कर सके तो हम इंशाल्लाह करते हैं। बहुत शुक्रिया आपका। जी अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन हमारे साथ मौजूद हैं दारुल सेहत जो है हॉस्पिटल से, जनाब उल्फत अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं, वो आपको बताएंगे आज यहाँ मेडिकल कैंप के हवाले से क्या इनकी आज ये मसरूफियात रही मेम्बरान के लिए, जो कि कराची प्रेस क्लब के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। सर कैसे हैं आप? अल्लाह कितने बजे आप आए यहाँ सुबह से आपका ये काम शुरू है? सर हम सुबह तकरीबन 9:30 बजे यहाँ पे आ गए थे, और हम यहाँ पे जो है मेडिकल कैंप अरेंज किया हुआ था कराची प्रेस क्लब की तरफ से, कराची फ्री मेडिकल कैंप जो है किया गया था। यहाँ पे जो है साफी हजरात, कैमरामैन हजरात और प्रेस क्लब के मेम्बरान और उनकी फैमिलीज के लिए, ठीक है, तो उन सब के लिए जो है दारुल सेहत हॉस्पिटल फ्री में यहाँ पे कंसल्टेशन और स्किन की एलर्जी के लिए जो है तमाम फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहा है सर, और उसमें हमारे डॉक्टर्स, नर्सिंग स्टाफ, ठीक है, पैरामेडिकल स्टाफ सब यहाँ पे मौजूद हैं और अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं सर। तो आज जो है वो आपने के मतलब किन किस की मेडिसिन का जो यहाँ पर आप लोगों में फराम कर रहे हैं ये बताएँ सर। हम यहाँ पे बुखार से मेडिसिन सर बुखार के लिए हैं हमारे पास, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए और सांस की तकलीफ के लिए हैं मेडिसिन हमारे पास, स्किन एलर्जी की है और उल्टी मोशन के लिए हैं, शुगर की मेडिसिन हैं, और इसी तरीके से हमारे पास जो है और स्किन एलर्जी के और जो है पॉलीफेक्स वगैरह सब चीज़ें मौजूद हैं यहाँ पे हमारे पास। बहुत शुक्रिया आपका, अल्लाह आपको सलामत रखे। आप लोगों की जो खिदमत है वो काबिल फ़ख्र है, काबिल तारीफ़ है कि आप लोगों ने जिस तरह से सहाफ़ियों के लिए ये एक मेडिकल कैंप का जो है माशाल्लाह से इनेकाद किया। आज यहाँ पर गवर्नर साहब ने भी बहुत अच्छा सहाफ़ियों को सराहा, उनकी खिदमत को सराहा, कैमरामैन है, इसके अलावा उनकी फैमिलियों को आपने, हमारे जो सहाफ़ी भाई हैं उनकी फैमिलियों के लिए आप लोगों ने ये जो माशाल्लाह से एक अमल इकदाम जो किया, ये खराज तहसिन पेश करने के काबिल है। दारुल सेहत हॉस्पिटल के हवाले से मैं इनके जो पूरी आपकी टीम है उन्हें भी जो है खराज तहसिन पेश करता हूँ। थैंक यू सर। बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सर। जी बिल्कुल। मेरा नाम इरफान अहमद है, डॉक्टर ईसा लैब मैं ब्रांच मैनेजर हूँ। डॉक्टर फरहान ईसा जो कि हमारे सीईओ हैं डॉक्टर ईसा लेबॉर्टरी के, उनके उन्होंने कराची प्रेस क्लब के ताउन के साथ आज कराची प्रेस क्लब में फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद किया, और हमने सुबह 11 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक का टाइम रखा है, जिसमें कराची प्रेस क्लब के जितने भी सहाफ़ी हैं वो और उनके अहले खाना वो सब फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट यहाँ पर करवा सकेंगे, जिसमें हम मुख्तलिफ किस्म के मुख्तलिफ बीमारियों के टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं, और जिनकी रिपोर्ट्स भी उन लोगों को ऑनलाइन हम प्रोवाइड करेंगे। तो गवर्नर जो थे हमारे इमरान इस्माइल साहब भी आए थे यहाँ पर आज। जी बिल्कुल। और उन्होंने भी जो ये मैसेज दिया सहाफ़ियों के लिए, और इस जो आपका जो आज की जो कारकर्दगी आप लोगों की उसके बारे में उन्होंने क्या कहा? जी बिल्कुल। गवर्नर इमरान इस्माइल साहब ने इफ्तिताह किया कैंप का, और उन्होंने भी डॉक्टर ईसा लैब और कराची प्रेस क्लब के इंतज़ामिया को सराहा, और कहा उनका कहना ये था कि ऐसे कैंप
और मज़ीद होते रहना चाहिए ताकि लोगों को अवेयरनेस हासिल हो सके। बहुत शुक्रिया आपका। इरफान अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं और इन्होंने बताया, गवर्नर साहब ने इन्हें सराहा, इनकी कारकर्दगी को सराहा। ये सुबह 11 बजे से यहाँ मौजूद हैं, गर्मी की शिद्दत है मगर इनकी खिदमात सहाफ़ियों के लिए, उनके अहले खाना के लिए माशाल्लाह से बड़ी देखने में आ रही है। और हम इन्हें खराज तहसीन पेश करते हैं सलेब वालों को, और जिस तरह से इनकी पूरी टीम ने ये यहाँ पर आकर काम किया, उनकी फैमिली की जो फैमिली के लिए जो अपनी खिदमात को पेश किया, ये काबिल तारीफ है। मैं हूँ इमरान अजीज़ राजा, KN24 HD न्यूज़, कैमरामैन सिकंदर अली के साथ कराची। यहाँ आज अल मुस्तफ़ा मेडिकल सेंटर के हवाले से भी कैंप मौजूद है और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अब्दुल हफीज़ शेख साहब, जो कि हमें बताएंगे सुबह से ये कैंप लगा है और कितने मरीज़ यहाँ पर आ चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा भाई, यहाँ सुबह से कैंप लगा हुआ है तो तकरीबन मेरे पास आए हैं इस वक्त 60 या 70 पेशेंट आए हैं। शुगर के हवाले से? शुगर के हवाले से आए हैं। कुछ लोग खाने से पहले गए थे, कुछ लोग खाने के बाद आए थे। अच्छा, ये लोग आए थे अपनी शुगर चेक करवाने के लिए, कंसर्न था क्योंकि कुछ लोग डायबिटिक थे, कुछ लोग नहीं थे। तो जो थे वो तो थे, लेकिन जो नहीं थे मैटर वो करते हैं। तो उनमें से जितने पेशेंट आए हैं, ज़्यादातर की शुगर जो थी नॉर्मल थी, यानी अगर आप एवरेज ले लो 100 पेशेंट का ले लो तो तकरीबन इनमें से 60-70% जो थे वो नॉर्मल थे, बाकी 30-40% जो थे ये डायबिटिक स्क्रीन हुए हैं। जी, तो क्या लगता है आपको कि मतलब ये कि शुगर की अभी तादाद बढ़ रही है या अभी नॉर्मल? शुगर की तादाद बढ़ रही है, शुगर के पेशेंट की बढ़ रही है, क्योंकि ये जो क्राइसिस है ये आज से कुछ अरसे पहले तक तकरीबन 100 में से 10-20 इस तरह आते थे, अब ये तकरीबन 30-40 आने लगे। बिल्कुल ऐसा ही है। डॉक्टर ज़िया जो कि अल मुस्तफ़ा मेडिकल सेंटर में आपके में जो माशाल्लाह से ज़िया खान साहब भी, इन्होंने भी पिछले दिनों जो है ना बड़े इन्होंने प्रोग्राम किए हैं इसके हवाले से कि शुगर और ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा तादाद में पाई जा रही है, बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो बहुत ज़्यादा ये मामला हो गए। हाजी साहब ने, हाजी हनीफ तैयब साहब का भी माशाल्लाह बहुत अच्छा किरदार है, उन्होंने भी बड़ी खिदमत उनकी हैं लोगों के लिए कि जिस तरह से अल खिदमत हॉस्पिटल जो है लोगों के लिए बड़ी सहूलियात जो है वो दे रहे हैं, और माशाल्लाह इसमें कोई वो नहीं है, कोई इसमें मतलब बात नहीं है कि हम इस बात को उन काबिले फ़ख्र ना कहें या खराज तहसीन के मतलब ना कहें, क्योंकि क्रेडिट जाता है इन्हें हाजी साहब को। बिल्कुल बिल्कुल क्रेडिट जाता है, क्योंकि आजकल के माशी हालात भी कुछ ऐसे, इन हालात में रहते हुए लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटी देना, जिस हद तक हम मदद कर सकते हैं उस हद तक करते हैं, करते हैं और करते रहेंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया हफीज़ भाई, बहुत बहुत शुक्रिया हफीज़ शेख साहब हमारे साथ मौजूद हैं। माशाल्लाह इन्होंने तमाम सूरत हाल से आगाह किया, सुबह से यहाँ बैठे हैं, आज गर्मी की तादाद भी बहुत ज़्यादा है, उसके बावजूद इनकी खिदमात माशाल्लाह से बहुत अच्छा लगा। जी नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं एक हरदिल अजीज शख्सियत PFUG की जानिब से अफजल साहब, वो हमें बताएँगे आज प्रेस क्लब कराची में जो है ये माशाल्लाह से एक मेडिकल मेगा फ्री मेडिकल कैंप लगाया गया है मेम्बरान के लिए खास। अस्सलामुअलैकुम। जी वालेकुम सलाम। जी सर बताएंगे आज के हवाले से, बहुत अच्छा सा एक सहाफ़ियों के लिए, मेम्बरान के लिए। जी जी, अच्छा ये किया गया जी, वाकई बहुत काबिल तकलीद है और बड़ा यानी एक ऐसा इवेंट है, मेगा इवेंट जो खास तौर पर इसको आप कम्युनिटी सर्विसेज के हवाले से एक बेहतरीन यानी सर्विसेज कैंप कह सकते हैं। तो हर किस्म की जो मेजर किस्म के जो डिजीज़ हैं उसके हवाले से ये कैंप लगा है, जिसमें सारी फैसिलिटीज़ जो है ना प्रोवाइड की गई, यानी खास तौर पर हार्ट के हवाले से डेंटल क्लिनिक है, फिजिशियन है, आई कैंप है, आर्थो का मसला है, यही लोगों के प्रॉब्लम है। हमारे सबसे बड़ा मसला है कि हमारा जो कम्युनिटी है जर्नलिस्ट की, वो केयरलेस होती है अपनी जो है ना हेल्थ के हवाले से। एक समाज का भी मसला है लेकिन हमारी सोसाइटी का ज़्यादा मसला है। उसमें एक जगह सबको इकट्ठे कर देना और वहाँ अपने मेम्बरान को, ये एक बहुत बड़ी बात है। हमारे इस क्लब के 1800 मेम्बरान हैं, तो मैं क्लब की जो इस वक्त की इलेक्टेड बॉडी है और जिन जो ऑर्गेनाइज़र हैं कैंप के, सबको मुबारकबाद देता हूं, एक बहुत अच्छी एफर्ट है और ख़ास तौर पर जर्नलिस्ट के लिए। बहुत शुक्रिया अफजल भाई आपका, बहुत बहुत शुक्रिया, सलामत रहें।